हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही सुंदर फ्लावर के बारे में शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है डेंथस। फ्रेंड्स, इस फ्लावरी प्लांट को भी अपने घर में फ्री में ग्रो करना बहुत ही इजी है। मैं फ्रेंड्स, 2-3 महीना पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इस प्लांट को हम कैसे सेव करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ लास्ट ईयर के प्लांट्स हैं, जिससे अब मैं कटिंग काटूंगी और इसको दोबारा से ग्रो करूंगी। एक कटर की हेल्प से मैंने इन सारी कटिंग को इस फ्लावर से कट कर लिया है। ये देखिए, इसको हमने सिंपली ऐसे स्पॉट में प्रेस कर दिया है। इसमें मैंने कोई भी रूटिंग हार्मोन नहीं लगाया है। फ्रेंड्स, ये कटिंग मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी। ये देखिए, इसमें रूट्स आ रही हैं, तो इसको बड़ी आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह देखा आपने, मैंने कितनी आसानी से एक पॉट से ये कम से कम 20 और 30 कटिंग है जो मैंने लगाई हैं। और अगर आपके पास भी कोई लास्ट ईयर का प्लांट है, तो आप भी अपने इस फ्लावर को ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये फ्रेंड्स अगर आपके पास ये डेंथस का प्लांट नहीं है, तो आप इसके सीड्स भी बाय कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताती हूँ हम सीड्स को कैसे ग्रो करेंगे। ये मेरे सीड्स हैं कुछ, जिसको मैं बस इसको हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे और हल्का सा वाटरिंग कर देंगे। दैट्स इट फ्रेंड्स, मैंने सीड्स कभी नहीं लगाए हैं। मैं ऑलवेज इनको कटिंग से ग्रो करती हूँ अपने पुराने प्लांट से। अगर ये मेरे सीड्स उगेंगे तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह आप आसानी से अपने इन सुंदर प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने घर में फ्री में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।